हेलो एवरीवन, सो स्वागत करती हूँ आप सबका न्यू ब्लॉग में। सो यहाँ देखिएगा, मैं कर रही हूँ इसकी क्लीनिंग। ये है बैनर। तो ये बैनर पता है किसके काम आते हैं? तो ये इन बैनरों को ना मैं किचन में जो प्लेटफॉर्म है उसके नीचे सेकंड वाला पार्ट है उस पर बिछा देती हूँ। जैसे बर्तन वगैरह रखे जाते हैं, डब्बे वब्बे रखे जाते हैं, तो उनके नीचे ना पेपर की जगह मैं इसको बिछा देती हूँ। तो दो बैनर है, तो मैंने दोनों बैनर धो लिए हैं और कपड़े भी है साथ में। दोनों मतलब बैनर और कपड़े दोनों जाके जल्दी फटाफट से फैलाए आती हूँ ऊपर, और ये बैनर इधर डाल देती हूँ, सूख जाएंगे। फिर कुछ नहीं, बस काम हो ही गया किचन में, बस सामान सेट करना है। तो हस्बैंड भी आज फ्री हैं तो बोल रहे थे मैं भी कुछ काम करवा लूँगा, और वो कहीं जाने वाले हैं आजकल में। दिवाली भी उनकी मुश्किल है, दिवाली भी मनाते हैं यानी पता ही नहीं है। और मार्केट वार्केट तो अभी जा नहीं पाई हूँ, अब मार्केट जाने का ही नंबर है मेरा। मैं साफ़ सफाई कर करके बहुत परेशान हो गई, अब तो फ्री हो के मुझे मार्केट जाना है। काम करते करते मुझे लगने लगी बड़ी जोर की भूख। फिर मैंने क्या सोचा, आज दाल तो बनाई है, और हाँ इतनी साफ सफाई चल रही है तो पता है मिर्ची मिर्ची पिसवाने नहीं भेजी है मैंने। मैं सोच रही थी कि अब घर पे ही पीस लेती हूँ। आधी मिर्ची मैंने सिलबट्टे पे पीस पीस के ख़त्म कर दी है। 1 kg थी तो कम रह गई, अब सोच रही हूँ घर पे ही मिक्सर मतलब ग्राइंडर में पीस लूँगी। तो ये मैंने फिर सोचा खाने के लिए, रोटी नहीं मुझे खाना, रोटी दाल रोटी मुझे पसंद ही नहीं है, दाल चावल अच्छे लगते हैं। तो मैंने सोचा मैं चावल लगा देती हूँ और अपनी साफ़ सफ़ाई करती रहूँगी, चावल बन जाएंगे फिर मैं खा लूँगी। और तो चलो फटाफट से चलते हैं किचन में। और किचन में अंधेरा था, इन्वर्टर भी ख़राब हो गया है, और मैं बल्ब लगाने जा रही थी छुटा के। यहाँ का बल्ब मैंने छुटा लिया था, अपने स्टोर रूम में लगा लिया था, वहाँ का बल्ब ना ख़राब हो गया था तो ऊपर चढ़ रही थी। लेकिन फिर मुझे याद आया मेरे पास बल्ब तो है ही नहीं, फिर मैंने फ्लैश जला लिया था। तो यहाँ देखिएगा, तो यहाँ ये सारे ट्रांसपेरेंट डिब्बे हैं, तो इनको मैं मतलब यूज में लाऊंगी किचन के यूज में। कुछ डिब्बे तो मतलब यूज वाले थे ही, और कुछ डिब्बे रखे हुए थे, जैसे हम लोग ड्राई फ्रूट वगैरह मंगाते हैं ऑनलाइन तो उसके ट्रांसपेरेंट डिब्बे आते हैं, तो वो भी काम आ जाएंगे किचन में। और ट्रांसपेरेंट डिब्बे में ये रहता है, देखो ये फ़ायदा रहता है, कोई भी चीज़ हम किचन में रखते हैं तो वो सामने दिखती है इस डब्बे में क्या है। और वैसे डिब्बे होते हैं तो उनमें समझ ही नहीं आता है, तो मुझे तो बड़ा गुस्सा आता है, इसलिए मुझे ट्रांसपेरेंट डिब्बे बहुत अच्छे लगते हैं। तो ये सारे ना ज़्यादा से ज़्यादा इसमें मतलब ये काजू बादाम बाली डब्बे हैं, और ये डलिया वगैरह रखी है टोकरी, तो इनको भी साफ़ करना है। तो फाइनल आज मेरी सफ़ाई एंड है, तो आज साफ़ सफ़ाई एंड हो जाएगी। फिर बचेगा पूरे घर को धोना, फिर अच्छे से धोऊंगी और खिड़की वगैरह पोछूंगी, सारे गेट्स पोछूंगी, मतलब यही सारी चीज़ें रहेगी। तो यहाँ मैं लगाने गई थी अपना ट्राइपॉड, तो आइए चलिए। और अपना ये सामान है जो धुल के रखा है मैंने, डब्बे अब्बे वो जाके ऊपर धूप में फैला देती हूँ, जिससे ना डब्बे जल्दी सूख जाएंगे, क्योंकि मुझे किचन आज ही पूरा कंप्लीट करना है। तो मैं नीचे से लेने गई थी, फिर ट्राइपॉड लगाते लगाते परेशान हो जाते हैं, आप लोग भी समझो।
सारे मैंने साफ करके ढक्कन डब्बे सारे किचन के रख दिए, और ये डलियां हैं तो डलिया भी, और ये सूख गए हैं तो इनको भी उठा के ले चलती हूँ। और आज धूप बहुत ही है, बहुत तेज है, और कपड़े कपड़े डले हुए हैं मेरे। तो ये है मेरी खाना की थाली। तो चावल है और प्याज है, और ये दाल है लाल मिर्च की आज, क्योंकि ना आज हरी मिर्च नहीं थी, कम थी, इसलिए लाल मिर्च की दाल बनाई। सो फ्रेंड्स, आप लोग भी खाना खा लीजिएगा दाल चावल। आज हरी मिर्ची दो तीन ही थी, इसलिए मैंने लाल मिर्च की दाल बनाई है। और लाल मिर्च पीनी थी, वो भी सिलबट्टे पे जल्दी जल्दी मैंने पीसी। और क्या है ना, साफ़ सफाई के टाइम ना बड़ा गुस्सा आता है सच में, ये सारे काम और इन्हीं टाइमों पर ना ये सारी चीज़ें ख़त्म हो रही है, तो बड़ा गुस्सा आ रहा था। काम करूँ कि इनको चलाऊँ सिलबट्टों को, या फिर मिर्ची पीसूँ, क्या क्या करूँ समझ में नहीं आ रहा। तो दाल चावल खा रही हूँ, और दाल चावल मुझे बहुत अच्छे लगते, कड़ी चावल भी काफ़ी बेस्ट लगते हैं मुझे, सच में मज़ा आ जाता है। तो चलो, आप लोग ब्लॉग पे बने रहिएगा, और ब्लॉग पसंद आता है तो लाइक शेयर ज़रूर कर देना। और यहाँ फिर मेरे हस्बैंड आ गए थे, कहीं गए हुए थे, मतलब यहीं घूमने के लिए निकल गए थे दोस्त के यहाँ, तो ये आ गए थे। तो इन्होंने अपने आप से कहा था कि मैं हेल्प करवा लेता हूँ, तुम अकेली लगी हो। ठीक है, मैंने कहा ठीक है, आज मुझे हेल्प की ज़रूरत भी है। तो मैं सारे डब्बों को नीचे ला ला के रख रही थी, और ये मतलब साफ, मतलब गीले ना रह गए हों अंदर, ऐसा होता है ना कभी कभी गीले भी रह जाते हैं। इनमें सामान भरूंगी ना तो वो गीले रह जाएंगे ना, तो उनमें वो जो भी चीज़ें होंगी ना वो चिपक जाएंगी, सड़ जाएंगी, बदबू देने लगेंगी। इसलिए ना सारे डब्बों को ना पोंछ पोंछ के रख रहे हैं, या तो स्टील वाले हों, चाहे सिल्वर वाले हों, या प्लास्टिक वाले हों, सारे डब्बों को ना अच्छे से पोंछ पोंछ के रख रहे हैं। तो ये वाले मैंने स्टील के डब्बे लास्ट में रखे हैं, जो जैसे दाल चावल वगैरह ऐसी चीज़ें रखी जाती, और ये सारे प्लास्टिक के डब्बे हैं और ट्रांसपेरेंट। तो इनमें जो सामान, जो चीनी वगैरह और चाय पत्ती, नमक वगैरह, ऐसी सारी चीज़ें, और ये है छोटे छोटे डब्बे मसालों के। तो इस टाइप से मैंने अपना किचन सेट किया है, और ये बर्तन पड़े हुए हैं, तो बर्तन और भी पड़े हुए हैं, ये देखिएगा, और भी रखे ऊपर छत पर। तो यहाँ पे लगेगा स्टैंड, तो यहाँ पे छेद भी कर दिए, तो स्टैंड लगेगा उसके लिए। ये बर्तन इकट्ठे रखे, तो बर्तनों को अभी सेट नहीं किया है, और मेरी चाय बनी है, तो मेरी किचन हो गई एकदम क्लीन। क्या हुआ, क्या हुआ, ट्यूशन नहीं जाना, जाना नहीं है, दिवाली तक चले जाओ, तो ट्यूशन नहीं जा रही है, जाना नहीं है, नहीं जाना, बाल बोलो, नहीं जाना, मत जाने दो। आज तुम बड़े चमक रहे हो बाबू। बाबू आज चमक रहे हो। यहाँ मेरा इंडक्शन रखा है, यहाँ पानी की बॉटल रखी है, अभी तो खैर को कर रखा है, इसमें चावल बनाए थे दोपहर के टाइम में वो, और ये चाय बन रही है मेरी, गैस चूल्हा जो भी है वो, इसमें ऊपर की साइड में इस पॉट में ना मैं चम्मच, जैसे स्पून, छलनी और चमचे वगैरह ऐसी चीज़ें रख लेती हूँ। ये मेरा दूध रखा है, तो इसको भी अभी गर्म करने रख दूँ। ये कप, ये बर्तन पड़े हुए हैं, तो इनको सेट करके रखूँगी। जो टूटी फूटी डलिया थी उसको मैंने फेंक दिया है। थैंक गॉड, अब फ्री हुई हूँ किचन से, अब शाम हो गया, अब जाऊँगी नहाने। नहाने से पहले सोचा एक चाय हो जाए, तो चाय पी रही हूँ यहाँ, और सबके लिए चाय बनाई है मैंने, खैर। और
और क्या, आप चलो चाय एंजॉय करते हैं। आप लोगों ने पी ली चाय कि नहीं, आप लोग मुझे बताइएगा। अरे मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गई आज, क्योंकि मेरा घर पूरा क्लीन हो गया। आज का ब्लॉग क्लीनिंग का एंड यही था। तो तो आप लोग आज मतलब दिवाली के बाद ही कुछ क्लीनिंग हो गया, अब तो दिवाली तक कुछ क्लीनिंग नहीं होगा। और एक मेरा बाबू की, ये लो चाय। दुगू चलो, दुगू को होमवर्क करा दूँ जब तक मेरी चाय थोड़ी ठंडी हो जाएगी, बहुत ज़्यादा गर्म है। ये मोबाइल